आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली पाइथन में हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें कुछ वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं, इनपुट फंक्शन यूज़ करते हैं या टाइप कास्टिंग यूज़ करते हैं। बेसिकली वो वर्क कैसा करता है। मान लीजिए हमने लिखा ए असाइन इनपुट, देन सेकंड इंस्ट्रक्शन हमने दिया बी असाइन इनपुट, और थर्ड इंस्ट्रक्शन हमने दिया सी असाइन ए प्लस बी, और लास्ट में हमने जो भी हमने ए प्लस बी को कैलकुलेट किया उसको हमने प्रिंट करा लिया, और प्रिंट आया सी में, और सी को हमने यहाँ पर प्रिंट करा लिया। अभी हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये हमसे ए की वैल्यू मांग रहे हैं, तो हमने मान लीजिए वन इनपुट की, देन बी की वैल्यू मांग रहा है हमने टू इनपुट की। तो यहाँ पर ए प्लस बी जो इसने किया वो बेसिकली किया कॉन्कैटिनेशन। तो एक तो बेसिकली हमें ये याद रखना होगा कि जब हम इनपुट फंक्शन को यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इनको एज ए स्ट्रिंग कंसीडर करता है, और इसीलिए ए प्लस बी लिखने की बाद जो ये वैल्यू सी में स्टोर कर रहा है जिसको हम प्रिंट कर रहे हैं तो वो बेसिकली वन और टू को कॉन्कैटिनेट कर दे रहा है एज ए स्ट्रिंग, और वहाँ पर 12 प्रिंट कर रहा है। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अपने प्रोग्राम में करके देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर लिखते हैं एंटर ए, और यहाँ पर लिखते हैं एंटर बी, और फिर से हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पर अब हमें एक यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। वो हमसे पूछ रहा है वी हैव टू इनपुट द वैल्यू ऑफ ए, मान लीजिए हमने ए इनपुट की, देन एंटर द वैल्यू ऑफ बी, वी हैव इनपुट बी, एंड देन उसने क्या किया, उसने कॉन्केटिनेट कर दिया इन दोनों करेक्टर्स को और रिजल्ट प्रोड्यूस किया ए बी। अब बेसिकली जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है, हम चाह रहे थे कि अर्थमेटिकल ऑपरेशन हम परफॉर्म करें और ए और बी की वैल्यू को जोड़ दें, और जो भी समीशन आए उसको सी में स्टोर कर दें और सी को हम प्रिंट करें। तो इसके लिए मेथड होता है पाइथन में, वो हम टाइप कास्टिंग का यूज़ करेंगे कि जो भी वैल्यू ये बाय डिफ़ॉल्ट एज ए स्ट्रिंग ले रहा है उसको हम टाइप कास्ट करेंगे इंटीजर में। तो उसके लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं प्रोग्राम में, और मॉडिफिकेशन हमने किया इंटीजर, और यहाँ पर हमने लिखा दूसरे इंस्ट्रक्शन में भी इंटीजर। तो जब हम ये लिखते हैं तो जो भी वैल्यू हम इनपुट करेंगे उसको एक टाइप कास्ट कर देगा इंटीजर में, और फिर उसको हम अर्थमेटिकल ऑपरेशन से ऐड करेंगे, एक अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ए प्लस बी का, और फिर उसको हम जो भी वैल्यू आएगी उसको स्टोर करेंगे सी में और सी को हम प्रिंट कर दे रहे हैं। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये पूछ रहा है वी हैव टू इनपुट द वैल्यू ऑफ ए फॉर एग्जांपल 12, वी हैव टू इनपुट द वैल्यू ऑफ बी 13। तो यहाँ पर अब इसने जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया हमें वो बेसिकली समेशन कर दिया है तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू में, और जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस किया वो 25 किया। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर मान लीजिए माइनस साइन कर देते हैं देन 12 1, तो यहाँ पर 11। ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं साइन, इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर 12 और 2 24, और अगर हम डिवीज़न के लिए साइन को यूज़ करते हैं और यहाँ पर 12 2, फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं एक बार, और तो ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, जो भी वैल्यू हमारी कन्वर्ट मतलब वैल्यू आ रही है डिवीज़न के बाद वो 3/2 1.5 आएगी, तो वो सी को ऑटोमेटिकली फ्लोट कंसीडर कर रहा है क्योंकि फ्लोट वैल्यू को हम स्टोर कर रहे हैं,
और उसी को यहाँ पर 1.5 को प्रिंट कर रहा है। तो पाइथन थोड़ा सा डिफर करती है जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी या सी प्लस प्लस हैं उससे। यहाँ पर सबसे पहले हम याद रखेंगे कि बेसिकली हमें कहीं पर भी डेटा टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, वेरिएबल का डेटा टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती है। जिस टाइप का भी नंबर हम स्टोर करना चाहते हैं किसी भी वेरिएबल में वो उसी डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर एग्जीक्यूशन के बाद हमने देखा भी, आगे एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग में और भी नए फीचर्स पाइथन में क्या हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।